अवंतिका फेज टू स्थित इस तालाब का पुनः निर्माण नगर निगम गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा है। तालाब में सीवर के पानी की लाइन को कनेक्ट किया गया है जो कि कानूनन गलत है। इस तालाब के किनारे बहुत ही बदबू आ रही है क्योंकि इसका पानी सड़ रहा है और इसमें लाखों मच्छर की उत्पत्ति हो गई है। इस तालाब में सीवर का पानी मिलाना पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर बगल वाली सोसाइटी के सीवर लाइन का कनेक्शन करके इसमें मिला दिया गया है क्योंकि उस सोसाइटी के सीवर का पानी निकलने का कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं है। अब बरसात भी शुरू हो चुकी है और इसकी वजह से यहाँ पर बीमारियां फैलेंगी और चिकनगुनिया, डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों का प्रकोप होगा। इस वजह से यहाँ के नागरिक बहुत परेशान और चिंतित है। वहीं पर्यावरण विद सत्येंद्र सिंह ने कहा कि इन अधिकारियों की शिकायत मेयर श्रीमती सुनीता दयाल से की जाएगी। उन्होंने इस मामले की शिकायत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ट्विटर पर भी की है और नगर निगम से सीवर लाइन का कनेक्शन इस तालाब से हटाने को कहा है। और आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते। देखिए, तालाब में सीवर की लाइन जोड़ने का कोई भी सेंस नहीं है। तालाब में सीवर की लाइन अगर जोड़ी गई है तो बहुत ही गलत है। सीवर की लाइन को पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए और एसटीपी यहाँ पर कोई लगा नहीं हुआ है। एसटीपी के लिए कोई भी काम नहीं किया नगर निगम ने और डायरेक्ट उसको सीवर के लाइन को उन्होंने तालाब में मिला दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। मैं वहाँ पर गया तो मैं देख कर आया कि तालाब में काफ़ी मच्छर पनप रहे हैं जो कि बीमारियों के लिए सीधे न्योता दे रहे हैं और वहाँ के नागरिक जो हैं, आसपास के रहने वाले पड़ोसी सभी बहुत परेशान हैं कि इस तालाब को बनाकर लग रहा है बनाए उसका काम शुरू करवाया था लोगों ने बड़े उससे कि कुछ अच्छा होगा, एक अच्छी जगह बनेगी, लेकिन वो तो गंदा नाला बन गया है तालाब, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है वहाँ की। और नगर निगम के खिलाफ मैंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखा भी है, वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करने को बोला है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करके पर्यावरण क्षतिपूर्ति जो होती है इनके ऊपर लगाई जाए और सीवर का कनेक्शन वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि सीवर के कनेक्शन अगर वहाँ पर रहेगा तो तालाब का कोई औचित्य नहीं है और उसमें वहाँ पे अगल बगल जो भी लोग रहते हैं सभी के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस तालाब को बनाने में नगर निगम को बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे पहले से लगे हुए थे तालाब के किनारे, जो कि यहाँ पर रहने वाले एक तिवारी जी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने यहाँ पर पेड़ पौधों को लगाकर पूरी इनकी सेवा करी है और पूरा उनका वो आज भी उसकी देखभाल करते हैं। केवल तालाब की खुदाई करी है नगर निगम ने और खुदाई करके इसमें उन्होंने जरूर पैसा कमाने का काम किया नगर निगम के अधिकारियों ने। इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस तालाब के किनारे जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं वे सभी यहां पर रहने वाले प्रकृति प्रेमी श्री पशुपति नाथ तिवारी के द्वारा लगाए गए हैं। वे बुजुर्ग हैं और इन पौधों की सेवा करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। वे कहते हैं कि ये पेड़ पौधे हमारे बच्चे हैं और हमें इनकी सेवा करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी रह सके। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज।